कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। यह डायलॉग सबके मन में आ रहा है जब इसका अभी मिस्टर सुरेश रेड्डी का इंटरव्यू CNBC 18 पर आया। उसमें जो इंटरव्यू हुआ उसमें काफ़ी फैक्टर्स निकल कर आए और उसके कारण एक पैनिक भी हो गया है। काफ़ी इन्वेस्टर्स लोगों के मन में सवाल है कि जो वो इंटरव्यू में हुआ वो किसी ने देखा नहीं होगा, तो ज़रूर जाके देखिए। उसका भी उसके बारे में भी बात करेंगे कि उसमें क्या सही निकला, क्या गलत निकला, व्हाट वाज राइट व्हाट वाज रॉन्ग एंड ऑल्सो व्हाई ब्राइटकॉम ग्रुप फेल अगेन टुडे। सो वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग एंड प्लीज़ डू कमेंट अबाउट व्हाट यू फील अबाउट मिस्टर सुरेश रेड्डीज इंटरव्यू, कि यू फाउंड इट टू बी गुड और बैड एंड व्हाट इज़ योर कंक्लूजन फ्रॉम द इंटरव्यू ऑफ मिस्टर सुरेश रेड्डी और ब्राइटकॉम ग्रुप। दैट यू कैन कमेंट करके बताइए। एवरी वन शुड नो कि वॉट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस इंटरव्यू। इस इंटरव्यू से आपको क्या लगा कि ब्राइटकॉम ग्रुप में सब सही चल रहा है या कुछ गड़बड़ है दया, ज़रूर करके बताना। आइए शुरू करते हैं, सब बताएंगे आपको उस इंटरव्यू में क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है और आज मार्केट में ये शेयर क्यों गिरा। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के इसके ट्रेडिंग से। NSE पे इसका आज रेंज था 142 से 148 तक गया था, बट फिर से क्लोज हुआ 142 पे और वहाँ पे अराउंड 26 लाख शेयर ट्रेड हुए NSE पे। एज़ फार एज़ BSE इज़ कंसर्न, इस पे 142 टू 149 का रेंज था एंड क्लोजिंग हुआ 142 पर और वहाँ पे हुए अराउंड 7.50 लाख शेयर्स। सो ऑल टुगेदर अराउंड 34 लाख शेयर्स हुए, विच इज़ मोर दैन द शेयर्स ट्रेडेड यस्टरडे दैट वेयर 28 लाख्स। तो आज नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा ट्रेड हुए हैं एंड टुडे वी सॉ टू लार्ज डील्स। वन वॉज ऑफ 210,000 शेयर्स एंड वन जो लास्ट डील है उसका था 231,000 शेयर्स। सो ऑल ये दोनों शेयर मतलब अराउंड 4.5 लाख शेयर्स आज लास्ट डील में बाय किए गए ब्राइटकॉम ग्रुप के एट द रेट ऑफ 142। मतलब ये लोअर सर्किट में बाय किए गए करीब करीब। सो दैट इज़ अ गुड साइन दैट वेन द मार्केट दिस प्राइस गोज नियर 142-140, सो बाइंग अगेन इसमें आ जाती है ब्राइटकॉम ग्रुप में। अब इम्पॉर्टेंट बात है कि आज ये गिरा क्यों फिर से एंड आज ये इंटरव्यू जो हुआ मिस्टर सुरेश रेड्डी का, उसमें क्या क्या हुआ, उसके कारण क्या इम्पैक्ट हुआ इस शेयर के ऊपर, वो भी हम लोग बात करेंगे वन बाय वन। देखिए फ्रेंड्स, उनको पूछा गया मिस्टर सुरेश रेड्डी को कि बार बार आपने कंपनी का नाम चेंज क्यों किया है। यस, ब्राइटकॉम ग्रुप का 4 times नाम चेंज हुआ इन द हिस्ट्री एंड उन्होंने उसका जवाब यही दिया कि भाई हमने कंपनी को टेक ओवर किया लाइकोस को, कुछ दिन उसका नाम रखा बट कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण हमने फिर से चेंज करके ब्राइटकॉम रख दिया। सो दैट शुड नॉट बी वेरी बिग इशू, दैट वॉज अ स्मॉल यू नो प्रॉब्लम विच नॉट कंसिडर। ये जो इंटरव्यू हुआ फ्रेंड्स, आई थिंक कि ये दोनों जो इंटरव्यूअर थे CNBC आवाज़ के, एक लड़का और एक लड़की, वो एकदम नहा धो के तैयार बैठे थे टू अटैक मिस्टर सुरेश रेड्डी। उनके जो क्वेश्चंस थे दे वे नॉट लाइक नॉर्मल इंटरव्यू, इट वॉज लाइक यू नो एक रैपिड फायर होता है बोलो, या इंटीग्रेशन बोलते हैं हम लोग, पुलिस वाले जैसे सवाल जवाब करते हैं या CBI वाले करते हैं वैसे सवाल जवाब वो कर रहे थे। एंड आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग एक्चुअली, देर इज नथिंग टू रॉन्ग। सी, वी शुड नॉट, एज आई टोल्ड यू ऑलवेज एंड ऑलवेज टेल यू, वी शुड नॉट लव द कंपनी, वी शुड नॉट लव द शेयर, वी शुड बी फेयर कि जो सही है सही है, गलत है गलत है। कोई भी कंपनी से प्यार नहीं कर रहा है, हमें अच्छा नहीं लगा तो उसमें से निकल जाना है, हमें अच्छा लग रहा है, विश्वास है, इफ़ यू हैव अ कॉन्फिडेंस देन स्टे विद दैट शेयर, इफ यू डोंट लाइक इट लीव इट। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ब्राइटकॉम ग्रुप ही एक शेयर है पूरे वर्ल्ड में या पूरे स्टॉक मार्केट में जिसमें आपको बने ही रहना है। सो ये इंटरव्यू का मैं आपको बताऊंगा क्या क्या बात हुई, देन यू हैव टू डिसाइड एंड कमेंट द व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डिड नॉट लाइक एंड डिड यू फाइंड एनीथिंग सस्पिशियस अबाउट ब्राइटकॉम ग्रुप बिकॉज ऑफ दिस इंटरव्यू। कंक्लूजन आप क्या निकालते हैं कमेंट करके आपको बताना है। वन क्वेश्चन वॉज अबाउट डिविडेंड, कि डिविडेंड इतना कम क्यों देते हैं, वी आर शोइंग और यू आर हैविंग सच अ ह्यूज प्रॉफिट, व्हाई यू आर नॉट गिविंग गुड डिविडेंड, आप 50 पैसे 5 पैसे ऐसा 5 पैसा 50 पैसा ऐसा डिविडेंड क्यों देते हो। तो मिस्टर रेड्डी सेड कि वी वॉन्ट टू यूटिलाइज मनी फॉर द फ्यूचर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ एंड एक्विजिशन एंड दैट्स वाई वी आर नॉट गिविंग द डिविडेंड्स इन द बिग अमाउंट, दैट इज़ ओके। मतलब उन्होंने यही कहा कि वी वॉन्ट टू सेव द मनी फॉर बिग एक्विजिशन और फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी, दैट इज़ ऑल राइट। नंबर टू,
उन्होंने पूछा कि भाई आपने एक कंपनी अनाउंसमेंट की है टू टेक ओवर डिजिटल ऑडियो, तो उसको आप नाम क्यों नहीं बता रहे लोगों को? तो ही सेड कि वी हैव साइंड एल ओ आई लेटर ऑफ इंटेंट, उसमें कॉन्फिडेंशियली कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है कुछ थिंग, वो क्लॉज होता है, बिकॉज ऑफ दैट वी के नॉट डिस्क्लोज, सो दैट इज ऑल्सो ऑल राइट, बट दे वर इंसिस्टिंग कि वाई यू वॉन्ट टू हायर इट, सो ऐसा नहीं होता है ये बात पे मुझे इवन यू नो आई नो द लॉ एंड वेन यू साइन द एग्रीमेंट और एलो आई, सो यू के नॉट डिस्क्लोज द नेम अंटिल द कंप्लीट प्रोसीजर इज कम्प्लीट, बिकॉज वाई लेट मी टेल यू, नाम बताने में दिक्कत क्या होती है फ्रेंड्स, समझो कोई कारण से ये डील पूरी नहीं हुई है, ये सिर्फ एलो आई साइन हुआ है, एग्रीमेंट फाइनल नहीं हो गया है, सो फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ सम रीजन्स ये डील कम्प्लीट नहीं हुई और नाम डिक्लेयर हो गया मार्केट में, तो जो कंपनी ले रही है उसका नुकसान नहीं होता है, पर जो कंपनी बेच रही है अपने आप को उसको नुकसान हो जाता है, बिकॉज उसका मतलब ये निकलता है कि कंपनी में शायद कुछ प्रॉब्लम है, दे नीड फंड्स, दैट्स व्हाई दे आर सेलिंग देयर कंपनी, दे आर टेकन आउट देयर कंपनी टू सेल, इसके कारण कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं होता है, सो इसीलिए देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट टू हाइड द कंपनी विच ब्रेकॉम ग्रुप इज एक्वायरिंग, सो इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगा नहीं। इट वॉज आस्क्ड टू मिस्टर रेड्डी कि आप आपके टॉप 5 क्लाइंट्स के नाम बताइए जो कि आपके क्लाइंट्स हैं, सो यू नो एक्चुअली मिस्टर रेड्डी ने फटाफट 5-6 नाम बता देते ना, अगर वो अमेजोन हो, गूगल हो, याहू हो या और भी कोई हो, तो वो बता नहीं पाए थे, वो 2-3 नाम ऐसे मंबल करके बोल रहे थे ना, उसके कारण भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मतलब जबकि वो फिर लड़की ने दैट गर्ल शी टोल्ड द नेम्स कि आपने ये नाम बताया है, अगर मिस्टर रेड्डी कॉन्फिडेंटली 5-6 नेम बता देते तो एक फ़र्क पड़ जाता था, तो उन्होंने नाम नहीं बताया, बट ठीक है ही टोल्ड 1 or 2 नेम्स बट दे वर नॉट वेरी प्रोमिनेंट, सो दे एक्वायर्ड मीडिया मिंट एंड दे हैड प्रीवियस क्लाइंट्स ऑल्सो, सो मिस्टर रेड्डी शुड हैव यू नो कॉन्फिडेंटली टोल्ड 5-6 बिग नेम्स विच पीपल नो एक्चुअली इन द पब्लिक, जो फेमस नाम होते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर है, याहू है, गूगल है, ऐसे नाम बताते तो डेफिनेटली दैट वुड हैव यू नो केप्ट हिज यू नो वर्ड व्हाइल इन द इंटरव्यू। इट वॉज आस्क्ड टू मिस्टर रेड्डी कि भाई आपके पास इतने कैश बताते हो आप लोग बैलेंस शीट में 126 करोड़, एंड मिस्टर रेड्डी सेड नो वी हैव 200 करोड़ कैश इन हैंड, सो उनका क्वेश्चन था कि भाई फिर आप 10,000 ही आपका इंटरेस्ट इनकम कैसे आता है, अगर आपके पास इतना पैसा है तो इतना पैसा कम पैसा आपका इंटरेस्ट इनकम इतना कम क्यों है, सो हिज आंसर वॉज कि वी कीप यू नो दिस मनी इज नॉट इन वन बैंक अकाउंट, वी हैव 25 ऑफिसेस एंड दिस ऑल मनी इज स्कैटर्ड इन वेरियस बैंक अकाउंट्स इन वेरियस कंट्रीज एंड दे आर केप्ट इन करंट अकाउंट। सो फ्रेंड्स देखिए, इवन आपका कोई अकाउंट होगा, आपका बिजनेस होगा, तो जिसका सेविंग अकाउंट होगा उसको नहीं पता होगा, बट जो लोग करंट अकाउंट होता है उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है एंड कंपनी का करंट अकाउंट ही खुलता है और करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बट नो डाउट बैंक्स हैव द फैसिलिटी लाइक स्वैपिंग अकाउंट। स्वैपिंग अकाउंट मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर 1 करोड़ रुपये है और आपको लग रहा है कि भाई ये पड़े पड़े क्या करेंगे, तो यू कैन टेल योर बैंक कि जब भी एक्सेस फॉर एग्जाम्पल मेरा मिनिमम मुझे बैलेंस रखना है 20 लाख एंड आई हैव जनरली 1 करोड़ इन माय अकाउंट, सो ऑटोमेटिकली द बैंक ट्रांसफर्स दैट 80 लाख विच इज इन एक्सेस दैट गोज टू लाइक काइंड ऑफ एफडी काइंड ऑफ अ थिंग, भले इंटरेस्ट कम मिलता है पर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल एफडी में अगर आपको 6% मिल रहा है तो ये स्वैपिंग अकाउंट के अंदर आपको 2-3% मिलता है इंटरेस्ट, और जब आपको लगता है आप उसमें से निकाल के तुरंत आपको अगर आपने कोई चेक दे दिया वो पास होने के लिए, अगर वो अमाउंट कम पड़ रही है तो ऑटोमेटिकली दैट शॉपिंग अकाउंट से वो पैसा फिर से कंपनी के अकाउंट में आ जाता है, करंट अकाउंट में। दिस फैसिलिटी इज देयर बट आई डोंट नो लाइक व्हाट मिस्टर रेड्डी सेड कि नहीं नहीं हम लोग करंट अकाउंट में रखते हैं और उसमें कोई इंटरेस्ट मिलता नहीं है और हम लोग एफडी नहीं करते या वी डोंट यूज दिस मनी फॉर इन्वेस्टमेंट, सो मे बी दैट इज पॉसिबल, बट दैट वॉज वन ऑफ द थिंग विच यू नो ही कुड नॉट गिव सेटिस्फैक्ट्री एक्शन रिस्पॉन्स, बट मे बी इज राइट करंट अकाउंट में होने के कारण इस पर इनको इंटरेस्ट इतना नहीं मिलता होगा, although they have 200 crore cash in their hand. He was also asked कि एक मार्केट में रूमर है कि 50 lakh shares you are ready to sell at the discount of around 30%. So Mr. Reddy denied it immediately कि ऐसा कुछ भी नहीं है, that is wrong information, false information. So ठीक है, like you know अभी आजकल सबको क्या लग रहा है कि Broadcom ग्रुप वाले रेडी बैठे हैं टू सेल ऑफ देयर स्टेक, कोई भी आ जाओ भाई डिस्काउंट में शेयर ले जाओ, पैसा दे दो हमको सिर्फ, बिकॉज पिछले 1 ईयर में भी आपने देखा होगा 2-3 बार इन्होंने अपने प्रेफरेंशियल बेसिस के ऊपर शेयर बेचे, मे बी फॉर एक्विजिशन और फॉर एनीथिंग, बट यू नो दैट हैज़ क्रिएटेड सेंट अ रॉन्ग मैसेज इन द मार्केट,
कि भाई आप डिस्काउंट में शेयर बेच देते हो टू रेज द मनी, सो दैट वॉज अ क्वेश्चन, बट मिस्टर रेड्डी डिनाइड इट फॉर्मली कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि वी आर रेडी टू सेल शेयर्स एट द डिस्काउंट ऑफ 30%. मिस्टर रेड्डी वॉज ऑल्सो आस्क्ड कि वाई देर आर नो इन्वेस्टमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड इन द कंपनी, सो ही सेड कि येस मे बी इन फ्यूचर दे विल एंटर, बिकॉज सी इट इज़ नॉट इन द कंपनीज हैंड कि किसने इन्वेस्ट करना चाहिए. यू कैन नॉट फोर्स म्यूचुअल फंड्स कि भाई आइए हमारे कंपनी के शेयर बाय कीजिए. इट इज़ अप टू द म्यूचुअल फंड, बट मे बी सो फार म्यूचुअल फंड इज़ नॉट फाइंडिंग ब्रैडकॉम ग्रुप यू नो गुड शेयर टू इन्वेस्ट. सो ये कारण हो सकता है कि उनको नहीं लग रहा है. तो मिस्टर रेड्डी ने कहा कि हो सकता है इन नियर फ्यूचर यू विल सी होल्डिंग ऑफ म्यूचुअल फंड ऑल्सो या DII ऑल्सो इन द स्टॉक, बट लाइक इट इज़ पर इसमें देखिए एक प्रमोटर के हाथ में नहीं होता है कि FII ने सॉरी DII ने या फिर म्यूचुअल फंड ने इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए. सो लाइक दैट इवन इट इज़ वेट इन वॉच सिचुएशन कि कोई म्यूचुअल फंड इसमें एंट्री करता है क्या, मे बी इन मार्च क्वार्टर. नाउ अगला सवाल ये था कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो सवाल मुझे लगा, जो कि एक अलार्मिंग लगा मुझे, एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सवाल लगा, जो कि एक राइट है, उन्होंने सही क्वेश्चन रेज किया कि आपके जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो है 1400 करोड़, मतलब डेटर्स मतलब मार्केट में आपने उधारी बांट के रखी हुई है वो है 1400 करोड़, 1400 करोड़ है, और आपने एडवांसेस दे के रखे हैं 700 करोड़ के, तो एडवांस क्यों देना पड़ता है भाई आपको, ये उन्होंने सवाल पूछा. सो ऑल टुगेदर ये अमाउंट हो जाती है 2100 करोड़, जो कि आपने एडवांस दे के रखा है बोलो या आपका मार्केट से पैसा आना बाकी है. तो इसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया कि देखिए एडवर्टाइजर्स जो होते हैं मतलब जो एड कंपनीज होती है उनको हमको उधार देना पड़ता है, मतलब हम लोग उनसे जो रेवेन्यू आता है वो हमको लेट आता है, और जो पब्लिशर्स होते हैं पब्लिशर्स मतलब कौन, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक याहू अमेजॉन या गूगल, जिसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए इनको स्लॉट बुक करने पड़ते हैं फ्रेंड्स. जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी होती है वो बल्क डील करती है उनके साथ में. फॉर एग्जाम्पल मैं बनाता हूँ साबुन बनाता हूँ मैं, और मैं साबुन बनाने के लिए मुझे एडवर्टाइजमेंट करना है, तो मैं जाऊँगा ब्रैडकॉम ग्रुप के पास कि भाई मुझे मेरा साबुन एडवर्टाइज करना है. तो वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे ठीक है भाई आपको कितना पैसा लगाना है वो हिसाब से हम लोग फेसबुक पे आपका एडवर्टाइजमेंट कर देंगे, इतना इतना पैसा लगेगा. तो फेसबुक को इनको स्लॉट बुक करना पड़ता है कि हम इतना पैसा आपको देंगे और उसका हमको एडवर्टाइजमेंट का रेट दीजिए. तो सभी कंपनियों का क्या होता है, जितना बड़ा स्लॉट लेते हो उतना आपको डिस्काउंट मिलता है. तो इसीलिए ब्रैडकॉम ग्रुप को 700 करोड़ जो है ये जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उनको एडवर्टाइजमेंट के लिए शायद देने पड़े होंगे, जो कि पब्लिशर्स बोला जाता है उनको, जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया या याहू हो गया, जो सर्च इंजन में हम जाते हैं बाजू में ऐड चलती रहती है, यूट्यूब पे जाते हैं हम लोग तो उस पर ऐड आती है. तो यूट्यूब वाले भी क्या करते हैं, अगर हम यूट्यूब पे ऐड करना चाहते हैं तो वो बोलेंगे भाई देखो आप कितने ऐड चलाना चाहते हो, आप 5000 ऐड चलाएंगे इतने सेकंड की तो अब ये रेट लगेगा, 2000 बार चलाएंगे तो इतना मिलेगा. तो जितना ज़्यादा आप स्लॉट बुक करोगे तो उसके हिसाब से मिलता है. तो उसके लिए उनको एडवांस देना पड़ता है ब्रैडकॉम ग्रुप को, वो ठीक है. बट अलार्मिंग बात यह है कि 1400 करोड़ जो डेटर्स है, देखिए फ्रेंड्स 2021 में ब्रैडकॉम ग्रुप का टोटल साल का रेवेन्यू था 2800 करोड़. 2800 करोड़ का अगर टोटल रेवेन्यू है उसमें से 1400 करोड़ अगर उधारी है आपकी तो ये बहुत ज़्यादा गलत है. अभी TTM ट्रेलिंग 12 मंथ्स का इनका सेल है 4000 करोड़, उसमें से 1400 करोड़ इनका मार्केट में उधारी है, तो ये थोड़ा अलार्मिंग हो जाता है क्योंकि 30% तुम्हारा पैसा मार्केट में अटका हुआ है, जो कि आएगा कि नहीं आएगा भरोसा नहीं है, ऐसा लोगों के मन में आता है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पैसा डूब जाएगा या नहीं आएगा, वी कैनॉट प्रेडिक्ट दैट, मे बी वो पैसा डूबेगा नहीं, बट इसका ये हाईलाइट करना उनका ज़रूरी था. और इनका मैंने डेटर्स डे जाके स्टडी किया ब्रैडकॉम ग्रुप का, डेटर्स डेज मतलब पैसा कितने दिन में आता, साइकिल कितने दिन में घूमती इनकी, तो इनका अभी हो गया बढ़कर हो गया, पहले ना इनका 100 डेज का डेटर्स डेज था, बाद में 120 डेज हुआ और अभी 150 डेज हो गया, मतलब इनका जो उधारी है रफली 5 महीने का है, 5 मंथ्स का इनको उधारी चलता है, जो कि बाकी IT कंपनीज का भी स्टडी किया मैंने, KPIT हो बिरला सॉफ्ट हो या फर्स्ट रोड सॉल्यूशन हो, उनका जनरली जो डेटर्स डेज है वो मैक्सिमम 30 डेज से 50 डेज है. तो ब्रैडकॉम ग्रुप का 150 डेज होने के कारण थोड़ा सा उन्होंने हाईलाइट किया इस बात को कि आपका इतना पैसा उधारी मार्केट में अटका हुआ है तो ये रिस्की नहीं है क्या, क्योंकि प्रॉफिट जो कंपनी का डिक्लेयर करते हैं वो उधारी के ऊपर डिक्लेयर करते हैं कि भाई वो उधारी आने वाली है, ये समझकर प्रॉफिट डिक्लेयर होता है.
और समझो 1400 करोड़ में से 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ डूब गए, तो कंपनी का प्रॉफिट उसके डेफिनेटली उसमें बैलेंस शीट पर रिफ्लेक्ट होता है, इसीलिए उन्हें हाईलाइट किया। और ये थोड़ा सा एक पॉइंट था जो हाईलाइट करने के कारण भी थोड़ा सा मार्केट को ये बात ध्यान में आई कि अरे भाई इनका तो उधारी बहुत ज़्यादा है। और जबकि उन्होंने ये कहा कि ये उधारी ऐसा नहीं है कि भाई पूरे वर्ल्ड में उधारी फंसी हुई है और ये जो एडवर्टाइजर्स जो होते हैं उनको उधार में ही देना पड़ता है, ऐसा उनका जवाब था। द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि आपने इतना ये दिया हुआ है, क्या बोलते आपकी आपने जो बैलेंस शीट में बताया है वो दिसंबर क्वार्टर था अनऑडिटेड फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ 14 कंपनी सब्सिडीज कंपनी, जो कंपनी टेक ओवर करके रखी है पास्ट में बैडकॉप ग्रुप ने, वो सब कंपनी का मिला के जो प्रॉफिट और रेवेन्यू आया है तो ये अनऑडिटेड है, तो ये कितना रिलायबल है, ऐसा उनको सवाल पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि भाई इंडिया में ही नहीं, हमारे कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड है, 14 कंपनीज उनके सब्सिडरीज है और उनको ऑडिट वहाँ के लोकल के ऑडिटर फर्म करती है, तो इसीलिए अनऑडिटेड है। तो ये भी थोड़ा सा एक सब उनको ऐसा मन सबके मन में डाउट घुस गया है कि भाई अनऑडिटेड है, मैनेज तो नहीं है बैलेंस शीट, भाई वहाँ के CLO को मैनेज करके या इनको मैनेज करके उन्होंने प्रॉफिट बढ़वा दिया, जो बैड डेट्स होंगे उसको छुपा दिया, ऐसा मन में डाउट आता है क्योंकि 14 कंपनीज़ का अनऑडिटेड बैलेंस शीट थोड़ा सा एक रिस्की हो जाता है। बट फ्रेंड्स देखिए, दूध का दूध पानी का पानी कब होगा, मार्च क्वार्टर में होगा, क्योंकि मार्च क्वार्टर कंपनी को ऑडिटेड ही देना पड़ता है, तो मार्च क्वार्टर में ये सब पिक्चर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 14 कंपनीज़ का ऑडिटेड रिपोर्ट ही देना पड़ेगा ब्रेडकॉम ग्रुप को मार्च में, एज पर इंडियन लॉ मार्च में यू कैन नॉट गिव अनऑडिटेड बैलेंस शीट, तो जब डेफिनेटली दूध का दूध पानी हो जाएगा। एंड लेट्स होप ब्रेडकॉम ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी इतनी बड़ी गलती नहीं करेगी टू मैनिपुलेट सच अ थिंग, बिकॉज दे आर यू नो गोइंग एग्रेसिव इन द मार्केट, वो लोग इतनी कंपनीज टेक ओवर कर रहे हैं या इतना ज़्यादा ग्रोथ के लिए प्लान कर रहे हैं, उन्हें पता है कि उनकी एक गलती वन मिस्टेक कैन रूइन देयर एंटायर कंपनी और एंटायर स्टॉक मार्केट में उनका जो स्टॉक का रेट चल रहा है वो पूरा डूब जाएगा, ये उनको भी पता है। सो आई डोंट थिंक दे विल मैनिपुलेट द बैलेंस शीट, दैट्स वॉट वी कैन होप फॉर। वन मोर क्वेश्चन वॉज आस्क्ड टू हिम कि भाई आपका प्रोमोटर होल्डिंग दिन ब दिन घटते जा रहा है, अभी 19% हो गया है, तो ऐसा क्यों? आप कह रहे हो आपकी कंपनी इतनी ग्रो कर रही है और कंपनी इज ग्रोइंग सो फास्ट अराउंड 100% पर ईयर एंड ऑल, तो फिर आप खुद के शेयर्स क्यों नहीं बाय कर रहे हो, प्रोमोटर होल्डिंग घटा क्यों रहे हो? तो उस पर मिस्टर रेड्डी ने कहा कि सी वी हैड टू गिव आवर स्टॉक्स टू इक्विटी इन्वेस्टर्स टू रेज द फंड्स, मतलब भाई उनको काफ़ी बार ऐसा है कि भाई चलो आप हमारी कंपनी में आ जाओ, आपको इतना फ़ायदा होगा, हमारी कंपनी का ग्रोथ इतना है, ऐसा काफ़ी बार करना पड़ता है प्रोमोटर्स को। तो उसका भी एक तरह से एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिस्टर रेड्डी नहीं दे पाए, उसके कारण भी थोड़ा सा एक नेगेटिविटी इस इंटरव्यू में आ गई है ये पॉइंट के ऊपर। तो दो पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगे कि डेटर्स डेज मतलब जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उनका वर्क जो उनका जो कैश और रिसीवेबल साइकिल्स है वो 150 डेज है, जो कि बहुत ज़्यादा है, और दूसरा प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ा क्यों नहीं रहे, उसके ऊपर सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाए। उन्होंने इतना ही कहा कि भाई हम लोग इक्विटीज़ हमने बेची है पास्ट में, हमारी एक फंड रेज करने के लिए बोलो या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को कंपनी में लाने के लिए हमने किया है। और उनको ये भी पूछा गया कि भाई FII का होल्डिंग भी कम है, तो उन्होंने बोला कि अभी लेटेस्ट जो हमने रिलीज़ किया है उसमें आप देख सकते हो कि FII का होल्डिंग बढ़ा है कंपनी में एंड फॉरन इक्विटी इन्वेस्टर्स भी इसमें बाय कर रहे हैं, सो दैट वॉज ऑल राइट। बट ये दो तीन पॉइंट के कारण थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया मार्केट में। अब आज ये गिरा क्यों? तो फ्रेंड्स दो कारण थे, एक तो देखिए ये इंटरव्यू काफ़ी लोगों ने देखा होगा, काफ़ी लोगों ने नहीं भी देखा होगा, तो ये इंटरव्यू में दो तीन थोड़ी निगेटिव बातें आई है डेफिनेटली, बट लेट्स होप कि निगेटिव नहीं कह सकते हैं। मैं फिर से कहता हूँ डेटर्स डेज ज़्यादा होना ये गुनाह नहीं है, बट वो डूबना नहीं चाहिए वो इंपॉर्टेंट बात है। तो इतने ज़्यादा दिन का डेटर डेज होना थोड़ा खतरे का लगता है लोगों को, तो वो एक पॉइंट है। दूसरा इसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके ऊपर भी लोगों को थोड़ा सा डाउट आ गया, तो ऐसे दो तीन बातों के कारण भी थोड़ा निगेटिविटी आ गई मार्केट में इसमें शेयर में। बट अगर आप देखेंगे कि आज मार्केट जब ऊपर जा रहा था शेयर भी ऊपर जा रहा था, बट मार्केट बाद में गिरने लगा तो फिर से इसमें सेलिंग आ गई। उसका कारण यह है फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू लॉट ऑफ पीपल होल्ड दिस शेयर एट वेरी लो रेट, सो दे गेट स्केयर्ड कि भाई बाद में मार्केट गिरने के बाद बेच नहीं पाएंगे तो अभी प्रॉफिट बुक कर लो, तो मार्केट फिर से गिरने लग गया, कि रशिया के फिर से न्यूज़ आ गई निगेटिव, तो उसके कारण फिर से मार्केट गिरा, तो इसमें भी गिरावट आना शुरू हो गई, तो दैट इज़ नेचुरल। फिर से लोअर सर्किट में बंद हुआ है, तो जब तक ये रशिया और यूक्रेन का टेंशन खत्म नहीं होगा थोड़ा सा अप डाउन चलते रहेगा। एंड ये जो इंटरव्यू है उसका कंक्लूजन आप क्या निकालते हो, आपको बताना है कि व्हाट यू फील गुड अबाउट द कंपनी एंड व्हाट यू डोंट लाइक अबाउट द कंपनी, प्लीज़ कमेंट। एवरीवन शुड नो व्हाट इज़ योर ओपिनियन, दिस इंटरव्यू वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। जिन लोगों ने देखा नहीं होगा दे कैन ऑल्सो वॉच दिस इंटरव्यू।
मैंने उसके जो एक्सट्रैक्ट है आपको बता दिया है, एंड उस पे से आपको क्या लगता है आप ज़रूर बताना कमेंट कर। ऊपर से प्रॉब्लम क्या हो गया है, लास्ट वन ईयर से जब भी ब्रैडकॉम ग्रुप की तरफ से न्यूज़ आती थी शेयर भागता था। अब प्रॉब्लम क्या हो गया है कि इन्होंने इतनी बैक टू बैक इतनी न्यूज़ दे दी है ना कि न्यूज़ का इंपॉर्टेंस खत्म कर दिया है ब्रैडकॉम ग्रुप ने। ऊपर से बोनस देने की जल्दबाजी नहीं करना था कंपनी ने, बोनस के लिए रुकना था थोड़ा सा सब होने के बाद, एक दो महीने बाद बोनस डिक्लेयर कर दे तो दैट वुड हैव बीन अ ट्रिगर पॉइंट। पर इन्होंने बोनस भी डिक्लेयर कर दिया, एक्विजिशन का भी कर दिया, ये सब अभी ऐसा हो जाता है ना मार्केट में, कोई न्यूज़ का इफेक्ट दो चार दिन ही होता है, बाद में फिर से मार्केट में रेगुलर हिसाब से चलता है, मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है शेयर को। बट नो डाउट ये काफ़ी पॉजिटिव बात है, कंपनी एक्वायर करती हुई कंपनी को तो ग्रोथ के लिए करती है, रेवेन्यू ऐड करने के लिए, प्रॉफिट ऐड करने के लिए। सो इट इज़ नॉट सो नेगेटिव, बट डेफिनेटली आज अगर ऐसा इसका इंटरव्यू का इफेक्ट इतना बैड रहता था फ्रेंड्स, तो आज शेयर ऊपर जाता ही नहीं था, 148 तक गया था। बट मार्केट जब गिरने लग गया तो फिर से इसमें गिरावट आना शुरू हो गई। सो फ्रेंड्स लेट्स होप कल मार्केट अगर देखिए आप कल का जो अगर प्रिडिक्शन अगर आप देखा जाए तो कल अगर इंपॉर्टेंट है, ये अपने सपोर्ट पर है अभी, कल मार्केट में गिरावट हुई तो इसका सपोर्ट तोड़कर ब्रैडकॉम ग्रुप नीचे जा सकता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ एग्रेसिव बाइंग मत कीजिए, बाय ऑन डिप्स के स्ट्रैटेजी से थोड़ा थोड़ा बाय कीजिए जब तक ये यूक्रेन और रशिया का प्रॉब्लम 100% सॉल्व नहीं होता है। ब्राइटकॉम ग्रुप ही नहीं, कोई भी शेयर में आपको अग्रेसिव बाइंग नहीं करना है, थोड़े थोड़े शेयर पार्ट पार्ट में बाय करते रहिए। डेफिनेटली इट इज़ अ अपॉर्चुनिटी टू बाय, ये जब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा मार्केट भागेगा तो फिर से सब शेयर ऊपर जाएंगे, तो इसीलिए आप बाय ऑन डिस्क स्ट्रैटेजी से बाय कीजिए। ब्राइटकॉम ग्रुप इज़ नॉट अ बैड शेयर, एंड ये जो डाउट्स हैं वो फ्यूचर अभी मार्च एंड में क्लियर हो ही जाएंगे, बट स्टिल आपको अगर डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट करके बताइए, एंड इफ़ यू आर नॉट कम्फर्टेबल यू कैन ऑल्सो एग्जिट फ्रॉम द शेयर, बट इट कैन बी अ गुड बेट फॉर द लॉन्ग टर्म। सो यू कैन स्टडी अबाउट ब्रैडकॉम ग्रुप अगेन, दिस इंटरव्यू ऑल्सो यू कैन वॉच, एंड इन दिस वॉट माई प्रेजेंटेशन वॉट यू फाउंड डाउटफुल अबाउट द ब्रैडकॉम ग्रुप या कौन सी बात आपको अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। एवरी वन शुड कम टू नो कि वॉट वॉज योर कंक्लूजन फ्रॉम दिस इंटरव्यू ऑफ ब्रैडकॉम, एंड लेट्स होप कल ये 142 के नीचे नहीं जाए, और अगर मार्केट जबरदस्त गिरा तो नीचे जा सकता है, तो ध्यान से ट्रेड कीजिए, ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग मत करिए, बाय ऑन डिप्स के स्ट्रैटेजी से चलिए, दैट्स व्हाट आई कैन से। एंड यू कैन स्टडी अबाउट ब्रैडकॉम ग्रुप एंड टेक द डिसीजन, बट इट कैन बी वन ऑफ द बेस्ट शेयर फॉर लॉन्ग टर्म टू होल्ड ब्रैडकॉम ग्रुप। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।